Hello, students. Let us continue with the chapter Food, and today's topic is New Organic Fertilizers. Integrated Nutrient Supply Program refers to the maintenance of soil fertility and uh, of plant nutrient supply at an optimum level for sustaining the desired productivity through optimization of the benefits from all possible sources of organic, inorganic, and biological. कॉम्पोनेट्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर तो जैसा कि हमको पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं जितनी भी मोडलिटीज़ हैं हमारे पास फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम उन सब को इनकॉर्पोरेट करके उन सबको मिला कर एक ऐसी टेक्निक डेवलप करते हैं जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी मेनटेन रहती है और कंटिन्यूस प्लांट को न्यूट्रियट की सप्लाई होती है

organic manure crop residue nitrogen fixing plants and biofertilizers now integrated nutrient supply program includes regulated nutrient supply for optimum crop growth and higher productivity improvement and maintenance of soil fertility zero adverse impact on agro ecosystem quality

कैसे बैलेंस कर सकते हैं बायजिंग ऑर्गेनिक मेन्योर इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड बायोलॉजिकल कॉम्पोनेट्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स आर कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिय लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम सो फर्टिलाइजर्स आर यूज फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं हम अगर सिंपली uh, फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट से भी बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं आ, कुछ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस, पोटेशियम तो मेन जो पर्पस होता है फर्टिलाइजर्स का इज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक मेन्योर ऑर्गेनिक मेन्योर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस वेरियसोज ऑर्गेनिक लाइक वेस्ट एनिमल डंग क्रॉप रेजिड्यू एटसेट्रा दीज सबस्टेंसिज आर डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मेन्योर इज अ बल्की सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिय इन स्मॉल क्वान्टिटीज सो इट हैज टू बी अप्लाइड इन लार्ज क्वान्टिटीज अब जो ऑर्गेनिक मेन्योर होता है वो एक मिक्सर होता है किन चीज़ों का मिक्सर होता है डिकम्पोज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं जैसे वेस्ट मटेरियल है एनिमल डंग है एनिमल वेस्ट है दीज सब्सटेंसेज आर डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स ये जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं वेस्ट मटेरियल एनिमल डंग क्रॉप रेजिड्यू इनको माइक्रोब्स की हेल्प से डिकम्पोज यानी कि डिस किया जाता है ऑर्गेनिक मेन्योर जो होते हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बल्कि सोर्स होते हैं ऑर्गेनिक मैटर के और जिससे हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है क्योंकि अगर हम कम यूज करेंगे तो हमको कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर दे प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड दस इम्प्रूव द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक मेन्योर डू नॉट क्रिएट सॉइल पॉल्यूशन तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है की ये सॉइल पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं ये सॉइल की फिजिकल और केमिकल कंडीशन को भी इंप्रूव करते हैं ऑर्गेनिक मेन्योर्स हेल्प इन मेंटेनिंग सॉइल टेक्सचर, इम्प्रूव एरेशन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर। और इसके साथ साथ ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करते हैं और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एरेशन होता है उसको भी इंप्रूव करते हैं इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं ऑर्गेनिक मेन्योर की ऑर्गेनिक मेन्योरस आर वॉल्यूमिनस एंड वोलिन दस देयर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इज डिफिकल्ट ऑर्गेनिक मेन्योर्स जो होते हैं वो बहुत बल्कि होते हैं उनका स्टोरेज भी डिफिकल्ट होता है एंड दे सप्लाई ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिय एंड कैन नॉट रिप्लेस द इंटायर डिप्लीशन ऑफ न्यूट्री और क्रॉप की उनके थ्रू अगर हम उनका कंटिन्यूस उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो न्यूट्रिय डिप्लिशन होने लगता है सॉइल में जो ऑर्गेनिक मेन्यूर होते हैं उनकी जो सप्लाई uh, होती है वो लिमिटेड होती है मतलब कि वो लिमिटेड अमाउंट में ही न्यूट्रिय की सप्लाई कर सकते हैं ग्रीन मेन्योर ग्रीन मेन्योर इज अ टाइप ऑफ कवर क्रॉप ग्रोन प्राइमरीली टू एड न्यूट्रीएं टू दॉइलोर बेसिकली क्या होते हैं कि ये क्रॉप होते हैं जो हार्वेस्टिंग के बाद सॉइल के ऊपर रह जाते हैं फील्ड में रह जाते हैं एंड बरीड अंडर द सॉइल और जिसको की सॉइल के अंदर हम मिक्स कर सकते हैं उसको बरी कर देते हैं टिपिकली अ ग्रीन मेन्योर क्रॉप इज ग्रोन फॉर

मेथड इज नोन एज ग्रीन मेन्यूर एज वी डिस्कस दैट ग्रीन मेन्यूर क्या होते हैं कि ये क्रॉप रेजिड्यू होते हैं क्रॉप रेजिड्यू का मतलब ये होता है कि कुछ, ये कुछ ऐसी होती हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही ग्रो किया जाता है और फिर उसके बाद उसको सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है इसलिए मिक्स करते हैं कि की सॉइल की फिजिकल कंडीशन इंप्रूव हो फर्टिलिटी इम्प्रूव हो तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन मेन्योरिंग यूज ऑफ लेग्यूमेनस ग्रीन मेन्योर क्रॉप इज मोस्ट Useful in comparison to. नॉन लेग्युमिनस एज मोर नाइट्रोजन इज एडेड बाय लेग्यूम्स तो अब यहाँ पर लेग्युमिनस uh, और नॉन लेग्युमिनस क्रॉप्स का डिस्कशन है जो बाद में भी अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं बेसिकली उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि उनकी रूट नोड्यूल्स में कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और जैसा कि हमको पता है कि एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो so, there should be a nitrogen fixing bacteria जो atmospheric nitrogen को दूसरे form में convert करते हैं nitrate, nitrite के form में convert करते हैं which can be easily uh, taken by the plants. On the other hand जो non leguminous plants होते हैं non leguminous crops होती हैं वो भी nitrogen add करती हैं पर जो leguminous crops होती हैं वो और ज़्यादा nitrogen add करती हैं so crops suitable for green manuring आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नॉन लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूम्स क्रॉप्स क्या होती हैं तो दे आर यूज एज ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स प्रोवाइड ओनली ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉरी तो जो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करती हैं, पर ये केवल ऑर्गेनिक मैटर ही प्रोवाइड करती हैं में। है आर यूज फॉर ग्रीन मेन्यूरिंग इज टू लिमिटेड एक्सटेंट पर इनका जो एक सप्लीमेंट या से सप्लाई होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे मस्टर्ड लाइक ब्रेसिकल स्पीशीज वीट ट्रिटिकम रेडिश रेफेनर्स कैरेट थस अब देखते हैं की लेग्यूम्स और लेग्यूमिनस क्रॉप का क्या रोल होता है द लेग्यूम्स यूज एस ग्रीन मेन्योरिंग क्रॉप प्रोवाइड नाइट्रोजन एज वेल एज ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल अब यहाँ पे जो लेग्यूमिनस क्रॉप है वो सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर भी प्रोवाइड कर रही हैं और काफी ज्यादा नाइट्रोजन भी प्रोवाइड कर रही हैं। लेग्यूम्स हैव द एबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर विद द हेल्प ऑफ इस नॉड्यूल बैक्टीरिया लेग्यूमिनस क्रॉप की रूट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में जो प्लांट्स यूज कर सकती हैं। द लेग्यूम्स आर मोस्ट कॉमनली यूज अब कौन कौन से लेग्यूम्स यूज होते हैं सन uh, हैम्प है डेजियांक uh, है मूंग काउपी लेंटिल्स सेंजी बरसीम ग्वार इस जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं वो यूज की जाती हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन मेन्योरस ग्रीन मेन्योर में लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस दोनों तरह की क्रॉप्स आती हैं तो इनका हम कंबाइंड बेनिफिट्स देखते हैं ना तो फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ग्रीन मेन्योर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को सप्लाई करते हैं जैसे कि जिससे कि सॉइल की स्टेबिलिटी फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव होता है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंप्रूव होती है ड्रेनेज बढ़ता है एरेशन बढ़ता है सो ऑर्गेनिक मैटर स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो इन अ नटशेल ऑर्गेनिक मैटर जो हैं वो सॉइल की सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है या उनको इन्हांस करता है एडिशन ऑफ नाइट्रोजन जो ग्रीन में क्रॉप्स होती हैं

उसमें भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को ऐड करती हैं सॉइल में सो ऑल द लेग्यूम क्रॉप लीव द सॉइल इन बेटर फिजिकल कंडीशन एंड रिचर इन नाइट्रोजन कंटेंट तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप हैं, वो नाइट्रोजन रिच होती हैं और सॉइल की क्वालिटी यानी कि फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करती हैं। दे रिटर्न द प्लांट न्यूट्रिय ऑफ द डीपर लेयर टू द अपर टॉप लेयर ये प्लांट न्यूट्रिय को रिटर्न करती है उनकी रिसाइकलिंग करती है नेक्स्ट इज न्यूट्रिय एंड सॉइल कंजर्वेशन ग्रीन मेन्योर क्रॉप कवर क्रॉप कवर का मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट ओवर या रेजिड क्रॉप्स होती हैं, दे प्रोटेक्ट द दॉइल फ्रॉम इरोजन इरोजन वाटर इरोजन हो सकता है सॉइल इरोजन है एंड न्यूट्रिएंट्स लॉस बाय टेकिंग अप सॉलेबल न्यूट्रिएंट्स व्हिच माइट अदरवाइज हैव बीन लॉस्ट इन ड्रेनेज वाटर और ड्यू टू इरोजन तो इरोजन के थ्रू या ड्रेनेज ऑफ वाटर के थ्रू जितना भी न्यूट्रियट है सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिय है वो अगर लॉस हो रहा है तो उसको ये रिटेन करती हैं उनको प्रिजर्व करती हैं ग्रीन मेन्योरिंग क्रॉप मेक अवेलेबल फॉस्फोरस एंड अदर न्यूट्रिय फॉर द सक्सीडिंग क्रॉप ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को भी रिटेन uh, करती है और उसके साथ साथ फॉस्फोरस भी अवेलेबल कराती है सक्सीडिंग यानी कि आने वाली क्रॉप के लिए सो ग्रीन मेन्योर हैज अक् रेजिडुअल इफेक्ट ऑल्सो नेक्स्ट इज इंक्रीजेज द बायो केमिकल एक्टिविटी द ऑर्गेनिक मैटर एडेड टू सॉइल बाय वे ऑफ ग्रीन मेन्योर एक्ट एज फूड फॉर माइक्रो ऑर्गैनिज्म जो ऑर्गेनिक मैटर हैं जो हम ग्रीन मेन्योर के फॉर्म में सॉइल में एड करते हैं वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फूड होते हैं एंड द ऑर्गेनिक मैटर स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे स्टिमुलेट द बायो केमिकल चेंजेस अकॉर्डिंगली तो सॉइल के अंदर जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको ये इनहेंस कर देते हैं एक्टिवेट कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं ग्रीन मेन्योरिंग इंक्रीजेस क्रॉप ईल्ड ग्रीन मेन्योर जो होते हैं इंक्रीजेस द ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन कंटेंट इन केस ऑफ लेग्यूमिनस ग्रीन मेन्योरिंग क्रॉप कोर्स ऑफ द सॉइल तो ये सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं इट इज प्रूवड दैट इफ ग्रीन मेन्योरिंग इज डन प्रॉपरली इट ऑलवेज रिजल्ट इन इंक्रीज ईल्ड ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप अगर ग्रीन मैन्योरिंग को बहुत प्रॉपरली हमने किया तो जो सक्सीडिंग क्रॉप्स हैं जो आने वाली क्रॉप्स हैं उनकी ईल्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी नॉ लेट सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स लाइक विंटर क्रॉप्स कवर सच एज ओट और राई हैव लॉन्ग बीन यूज एज ग्रीन मैन्योर मस्टर्ड क्लोवर फेन्योग्रीक सनहेम ट्रॉपिकल लेग्यूम अल्फा अल्फा विच सेंड्स रूट रूट्स डीप टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स टू दर्फेस फर्न ऑफ दिन इन साउथ ईस्ट एशिया तो कुछ एग्जाम्पल है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एल्फा एल्फा है एल्फा एल्फा डीप रूटिंग लेग्यूम है और ये सॉइल में बहुत अंदर तक जितने भी न्यूट्रीएंट होते हैं उनको वापस सर्फेस के ऊपर लेकर आती है फार्मार्ड मेन्योर Animal manures are an excellent source of plant nutrients. The farm waste rotted by means of the urine and dung of the animals. इस टर्म एज फार्म्योर जो भी फार्म वेस्ट है उसके साथ अगर एनिमल यूरिन और एनिमल डंक को भी मिक्स कर दें तो इसको बोलते हैं यार्ड मेन्योर अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी टू एटी परसेंट इसमें नाइट्रोजन होता है सिक्सटी टू एट्टी फाइव परसेंट फॉस्फोरस होता है और एट्टी टू नाइनटी परसेंट पोटेशियम होता है मेन्योर कंटेन ऑल द प्लांट न्यूट्रिय नीडेड फॉर क्रॉप ग्रोथ

में एंड रेट ऑफ मेन्योर डीकोजिशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डीकोम कर रहे हैं मेन्योर कंटेन्स स्टेबल एंड अनस्टेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन सो अनस्टेबल नाइट्रोजन अकर्स इन यूरिन एज यूरिया एंड मे अकाउंट फॉर मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल नाइट्रोजन इन मेर फार्म यार्ड मेन्योर में बेसिकली दो तरह के नाइट्रोजन होते हैं अनस्टेबल भी होते हैं और स्टेबल भी होते हैं तो जो अनस्टेबल नाइट्रोजन होता है वो एनिमल यूरिन में होता है यूरिया के फॉर्म में और जो कि टोटल 50 परसेंट नाइट्रोजन होता है मेन्योर का यूरिया चेंजेस रैपिडली टू अमोनियम आइंस देन क्विकली टू अमोनिया एज पी एच इनक्रीजेस एंड मेन्योर बिगिन टू ड्राई अब यहाँ पे क्या होता है कि यूरिया जो है जो कि यूरिन में होता है यूरिया बहुत जल्दी अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है और इसके बाद वो अमोनियम आयन अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं और जैसे जैसे पी बढ़ता है और मैन्योर उसके बाद वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं सो so, अमोनियम इज़ एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रिजल्टिंग इन नाइट्रोजन लॉस अब जो अमोनिया है वो वॉलेटाइल है मतलब कि वो बहुत जल्दी नाइट्रोजन उसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन है वो लॉस हो जाता है नियरली ऑल द अमोनियम नाइट्रोजन कैन बी लॉस फ्रॉम सरफेस अप्लाइड मेन्योर इफ़ इट इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड विद इन अ फ्यू डेज अब नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है कि अमोनियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो इसमें जितना भी नाइट्रोजन होता है जो अमोनियम नाइट्रोजन होता है वो बहुत जल्दी उसका लॉस हो जाता है तो इसीलिए कि टाइम uh, इनकॉरपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मेन्योर को अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट इज बायो फर्टिलाइजर्स सो इट मीन्स लिविंग मटीरियल्स यूज टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है कि ग्रीन मेन्योर और बायो फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है तो यहीं पर एक मेन डिफरेंस है कि बायो फर्टिलाइजर में क्या होता है कि लिविंग मटीरियल्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और ग्रीन मैन्योर में प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे मस्टर्ड है क्लोवर है सनहेंप है एल्फा एल्फा सम फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगी जैसे कि साइनो बैक्टीरिया दे फिक्स गैसियस नाइट्रोजन एज अमोनिया एंड रिलीज इट इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल तो ये कुछ जो सिम बैक्टीरिया या फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं या ब्लू ग्रीन एलगी होते हैं वो गैसियस नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स कर, कर देते हैं बायो फर्टिलाइजर्स आर 100% परसेंट नैचुरल एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो 100% परसेंट नैचुरल हैं। एंड दीज बायो फर्टिलाइजर डिफर फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर बिकॉज दे फीड द प्लांट्स बाय एडिंग ऑर्गेनिक मटीरियल्स टू द सॉइल तो ये डिफरेंस होता है बायो फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर में प्रोलोंग्ड यूज ऑफ सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स कॉज इर डैमेज टू द सॉइल हेल्थ अगर हम बहुत ज़्यादा सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं तो सॉइल को बहुत ज्यादा लॉस होता है यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर शुड बी पॉपुलराइज फार्म्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पर हम थोड़ा सा उसकी टेक्निक को पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है मेजर रोल बायो फर्टिलाइजर का ये होता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो कि 78% परसेंट है एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन गैस उसको किस तरह से यूजेबल फॉर्म में फिक्स करें तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन द एयर इंटू अमोनिया तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो लेगुमेनस प्लांट्स के रूट मॉड्यूल में होते हैं वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं द नाइट्रोजन फिक्सर्स

जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम उसका एक सिम यानी कि एक बहुत ही म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है लेग्युमिनस प्लांट्स के साथ एजेटोबैक्टर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के तो अगर आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाए तो हमारे पास अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए राइजोबियम है एजेटोबैक्टर एरोबैक्टर क्लास्ट्रीडियम सो दे कैन बी यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग इन एनी क्रॉप ये किसी भी क्रॉप में नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय

रूट्स और फंजाई के बीच में प्लांट सो दीजअ प्लांट लाइक पाइन यूक्लिप्टे कुछ एग्जाम्पल्स है जहां पर माइक्रोराइजर एसोसिएशन होता है जो कि एक सिम बायोटिक एसोसिएशन है सो माइक्रोराइजर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इफ इन द फॉस्फेट न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, दे एब्सॉर्ब अब ये फॉस्फेट न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दे एबजॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट से को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स को पास कर देते हैं माइक्राइजल प्लांट शो हायर टॉलरेंस टू हाई सॉइल टेम्परेचर वेरियस एंड रूट बॉर्न एंड टू हैवी मेटल टॉक्सिसिटी अब ये जो माइक्रोराइजल प्लांट्स होते हैं जैसे कि यूकलिप्टिस ओक है ये बहुत ही ज्यादा या टॉलरेंस शो करते हैं किसके लिए कि जब सॉइल का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए अगर या वेरियस सॉइल एंड रूट बॉर्न पैथोजेंस मतलब कुछ ऐसे पैथोजेंस या कुछ इस तरह की हो जाएं में या रूट में या कभी कभी ऐसा होता है कि हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी हो जाती है में जब हैवी मेटल बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इनके लिए ये बहुत ज्यादा टॉलरेंट है माइक्रोइर प्लांट इन कोस्टल एरियाज ऑफ सम कंट्रीज सीवीड्स आर ऑल्सो यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स कोस्टल एरिया में सीवीड्स को भी हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं हाउएवर ऑल दीज लाइफ फॉर्म्स में बी ग्रोन आर्टिफिशियली एंड इनोकुलेटेड इन दॉलो फर्टिलाइजर तो अब यहाँ पे एक चीज ये नेचुरली नहीं होती है यहाँ पर आर्टिफिशियली यहाँ पर ग्रो करने के बाद इनको इनोकुलेट यानी की इनको सॉइल में मिक्स किया जाता है बायो फर्टिलाइजर की तरह आप कुछ बेनिफिट देख लेते हैं बायो फर्टिलाइजर के एड इन रिप्लेसिंग एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो इनका मेन एक बेनिफिट ये है बायो फर्टिलाइजर का की ये सॉइल फर्टिलिटी को मेनटेन करते हैं डिग्रेड टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स जितने भी टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं इंटरैक्ट इंटरक्ट विदर सॉइल एंड बायोडिग्रेडेबल कॉम्पोनेट्स इन द दॉल जो सॉइल के अंदर बायोडिग्रेडेबल कॉम्पोनेट्स होते हैं मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन या उनकी एक्टिविटी से ही डिग्रेड हो जाते हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है तो सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिय नाइट्रोजन फॉस्फोरस कैल्शियम तो ये और दूसरे बायोडिग्रेडेबल कॉम्पोनेट या सॉइल ऑर्गेनिजम्स के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस एसोसिएट

टर्निंग इट इनटू अ प्रोडक्टिव ग्रोइंग मीडियम तो जो भी टूटी फूटी या बहुत कह सकते हैं कि जो अनप्रोडक्टिव सॉइल होती है उसको भी ये कन्वर्ट टर्न कर देते हैं मतलब उनको भी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एड इन रीबिल्डिंग डिप्लीटेड सॉइल जो अगर सॉइल डिप्लीट हो गई है डिप्लीट मतलब न्यूट्रियट डिप्लीशन हो गया या और किसी चीज़ की डिप्लीशन हो गया है तो उसको ये रिबिल्ड करते हैं एंड एड इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन को भी ये रिड्यूस करते हैं सीवेज स्लज सीवेज स्लज रिफर्स टू द रेजिडुअल सेमी सॉलिड मटीरियल दैट इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल और म्यूनिसिपल वाटर वेस्ट तो सीवेज स्लज एक सेमी सॉलिड रेजिडुअल मटीरियल है जो कि वेस्ट ट्रीटमेंट के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं सीवेज स्लज मोस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस जोकि डिस्पोज कर दिया जाता है कन्वेंशनल सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टिपिकली जनरेट अ प्राइमरी स्लज इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट एंड अ सेकेंडरी बायोलॉजिकल स्लज इन फाइनल सेडिमेंटेशन आफ्टर द बायोलॉजिकल प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सीवेज को ऑर्गेनिज्मिकोज करते हैं और बायोसॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और यही बायोसॉलिड्स बाद में फर्टिलाइजर्स बनाते हैं सो लैंड एप्लीकेशन ऑफ रॉ और ट्रीटेड सीवेज स्लच कैन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली द स्लच डिस्पोजल कॉस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रोवाइडिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस रिक्वायरमेंट ऑफ मेनी क्रॉप सो इनसे जो सीवे स्लज है इनके डीकॉम्पोजिशन से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है जो क्रॉप्स में अगर हम इसको यूज करते हैं तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस किसका सप्लाई या सप्लीमेंट मिलता है सीवेज स्लज कंटेन्स यूजफुल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर तो सीवेज स्लज में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस कंटेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रायर स्लच ट्रीटमेंट वाइल नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन स्लच ट्रीटमेंट तो हम ये कह सकते हैं कि जो फॉस्फोरस का कंटेंट होता है वो प्रायर जो उससे पहले जो स्लच के ट्रीटमेंट हुए हैं जैसे प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट होता है तो उसमें फॉस्फोरस के कंटेंट्स होते हैं और जब सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट होता है तो उसमें नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है लिक्विड एनोरोबिकली डाइजेस्टेड स्लज हैज हाई अमोनिया नाइट्रोजन कंटेंट विच इज रेडिली अवेलेबल टू प्लांट एंड कैन बी पर्टिकुलर बेनिफिट टू ग्रासलैंड तो जो लिक्विड एनोरोबिकली डाइजेस्टेड स्लज है जो भी एनोरोबिकली मटीरिया जो होते हैं जो एयर की एबसेंस में स्लज को डाइजेस्ट करते हैं डिकम्पोज करते हैं उसमें अमोनिया नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है द ऑर्गेनिक मैटर इन स्लज कैन इम्प्रूव द वॉटर रिटेंशन कैपेसिटी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है इम्प्रूव करता है एंड स्ट्रक्चर ऑफ सम सॉइल्स स्पेशली वेन अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ डी वॉटर स्लच केक जहाँ पे वॉटर स्कैटिटी uh, है वहाँ पर अगर हम सीवेज स्लच को जिसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत होती है उसको हम यूज़ करें तो सॉइल का स्ट्रक्चर बढ़ सकता है सो इन एडिशन टू ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स सीवेज स्लच कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ मेनी पॉल्यूटेंट्स यूज इन आर मॉडर्न सोसाइटी तो इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट के अलावा सीवेज स्लज में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं सम ऑफ दीज सब्सटेंसेज कैन बी फाइटोटॉक्सिक एंड सम टू ह्यूमन्स एंड और एनिमल्स और इट इजेसरी एंड इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक एलिमेंट्स एंड द रेट ऑफ एप्लीकेशन टू द सॉयल तो ये बहुत ज़्यादा फाइटोटॉक्सिक होते एयर में एक्सपोज होते हैं तो इन ये कुछ टॉक्सिन्स बनाने लगते हैं ह्यूमस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एनिमल्स के लिए हार्मुल होते हैं सीवेज स्लज ऑल्सो कंटेन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया जैसे कि कुछ वायरस uh, होते हैं प्रोटोजोआ होते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं विद अदर पैरासिटिक हेलीमेंथीज़ विच कैन गिव राइज टू पोटेंशियल हैजर टू हेल्थ ऑफ़ ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट्स तो इसमें कुछ पैरासाइट्स हेलीमेंथीज होते हैं जैसे हम जिनको वॉम्स बोलते हैं वो भी होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को एनिमल्स को और प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं द नंबर ऑफ पैथोजेनिक एंड पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म इन स्लज कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूज बिफोर एप्लीकेशन टू द लैंड बाई अप्रोप्रिएट स्लज ट्रीटमेंट एंड द पोटेंशियल हेल्थ रिस्क इज फर्दर रिड्यूज बाय द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट सॉइल माइक्रो ऑर्गैनिजम्स एंड टाइम आफ्टर द स्लज इज अप्लाई टू द सॉइल अब हम इनका जो पोटेंशियल रिस्क है इसको कैसे कम करेंगे इसको कम करने के लिए हम सीवेज जो हमारे पास स्लज है जो हमें सीवेज ट्रीटमेंट के बाद मिला है हम उनको उसको उसकी और ज्यादा स्क्रीनिंग करेंगे, जिससे कि पोटेंशियल हेल्थ रिस्क और ज्यादा रिड्यूस हो। सीवेज प्रोवाइड्स इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर टू मीट क्रॉप रिक्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिएंट्स। द एप्लीकेशन ऑफ स्लज इंक्रीज इन मेटल कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉइल ड्यू टू स्लज एप्लीकेशन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम निकल कॉपर एंड जिंक इन द एडेबल पोर्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रॉप ग्रोन्स एज वीट, पोटैटो लिट्यूस रेड बीट कैबेज एटसेट्रा तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ये जो कैडमियम निकल कॉपर है इसका भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है टू मिनिमाइज द पोटेंशियल रिस्क टू देल्थ ऑफ ह्यूम एनिमल्स एंड प्लांट्स इट इज नेसेसरी टू कोडिनेट स्लज एप्लीकेशन इन टाइम विद प्लांटिंग ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग ऑपरेशन तो हमें यहाँ पर प्लांटिंग के टाइम ग्रेजिंग के टाइम या हार्वेस्टिंग के टाइम उसके स्लच के जो एप्लीकेशन है जो हम स्लच को यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए अच्छे से यूज़ करना चाहिए स्लच मस्ट नॉट बी अप्लाइड टू ग्रोइंग सॉफ्ट फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप्स जो बहुत ही फ्रूट्स जो विच आर वेरी सेंसिटिव या जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं वहाँ पर स्लच का यूज़ नहीं करना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन अंडर परमानेंट ग्लास और प्लास्टिक स्ट्रक्चर ग्रीन हाउस अगर हमने हमारे पास ग्रीन हाउस uh, है उसके अंदर हमने प्लांट्स को ग्रो किया है या कुछ प्लास्टिक स्ट्रक्चर से हमने ग्रीन हाउस बनाया हुआ है तो इस uh, ऐसी सिचुएशन में स्लच को यूज़ नहीं करना चाहिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केयर शुड ऑलवेज बी टेकिन वेन अप्लाइंग सीवेज स्लच टू लैंड टू प्रिवेंट एनी फॉर्म ऑफ एडवर्स इन्वामेंटल इम्पैक्ट बहुत अच्छे से बहुत उनको बहुत अच्छे से स्क्रीनिंग करके सीवेज स्लज को ही यूज़ करना चाहिए नहीं तो ये इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं द स्लच मस्ट नॉट कंटेन नॉन डिग्रेडेबल मटीरियल नॉन डिग्रेडेबल मटीरियल जैसे कि प्लास्टिक्स मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सालों तक रहते हैं वो नहीं होना चाहिए इसीलिए स्क्रीनिंग स्लच की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है सीवेज स्लच को हम नॉन क्रॉप लैंड जैसे कि पब्लिक गार्डन्स है गोल्फ कोर्स है हाउस लॉन्स है यहाँ पर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट जीन बैंक्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अकर्स एट थ्री डिफरेंट लेवल्स हमने पढ़ा कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके तीन लेवल्स होते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी फ़र्स्ट इज़ द इकोसिस्टम लेवल वेयर बायोडायवर्सिटी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीशीज़ एंड द इंटरेक्शंस बिटवीन देम जो इकोसिस्टम होता है वो एक तरह का इस तरह का एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर बायोटिक और ए बायोटिक लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स एक साथ रहते हैं तो ये इको लेवल पर जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है मतलब कि जहाँ पर फोना फ्लोरा प्लांट्स या एनिमल्स की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं इंसेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इन और इनका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन भी होता है तो सेकेंड लेवल इज़ द स्पीशीज़ लेवल अब जो सेकेंड लेवल होता है बायोडाइवर्सिटी का वो स्पीशीज़ लेवल पर होता है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी इज़ रिलेटेड टू द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ एंड द थर्ड लेवल इज़ वेयर अ स्पीशीज वेयर द बायोडाइवर्सिटी रिवर्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में जो फोना फ्लोरा की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे जीनोम है प्लांट्स का एनिमल्स का उनके बीच में जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी या उन वो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी गिव्स स्पीशीज़ अब यहाँ अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ प्रोड्यूस होंगी जेनेटिक डाइवर्सिटी गिव्स स्पीशीज़ द एबिलिटी टू एडाप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग पेस्ट डिजीज़ेस एंड क्लाइमेट चेंज जितनी ज़्यादा या इफ़ेक्टिव जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी किसी भी स्पीशीज़ में तो उस स्पीशीज़ के अंदर कुछ एबिलिटी होगी किस तरह की एबिलिटी होगी कि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर लेगी जैसे कि पेस्ट है डिजीज हो रही है या क्लाइमेट चेंज है तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने आप को खूब अच्छे से अडाप्ट कर सकती है दीज वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व सो दैट दे आर मेड अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज एंड स्टडी तो ये जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इस तरह के जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व करके रखना चाहिए सो देर आर टू मेन अप्रोचेज अब दो अप्रोचेज होते हैं इन सी टू कंजर्वेशन एंड एक्स टू कंजर्वेशन हमने बायोडाइवर्सिटी uh, के चैप्टर में पढ़ा इन सीटू कंजर्वेशन इज़ कंसर्न विद मेंटेनिंग स्पीशीज़ विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब कि uh, किसी भी स्पीशीज़ के प्लांट्स के या एनिमल के कि किसी भी स्पीशीज़ को अगर हम उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करते हैं ग्रो करते हैं तो वो इन सीटू कंजर्वेशन है ऑन द अदर हैंड एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम जेनेटिक इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जर्म प्लाज सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए हम उसको आर्टिफिशियल कंडीशंस में या ह्यूमन सुपरविजन में ग्रो करते हैं इसमें जीन बैंक्स भी होते हैं जेनेटिक रिसोर्सेज दैट आर मेंटेन्ड

और इसी के अंदर इंफॉमेशन होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है तो इन प्लांट्स इट कुड बी फ्रीजिंग द कटिंग फ्रॉम द प्लांट और स्टॉकिंग द सीड्स अब जैसे प्लांट के अगर हम हमें जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं उनके सीड्स को कंजर्व कर सकते हैं या जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं स्टेम है लीव्स हैं फ्लावर है रूट्स हैं है, है, इनकी कटिंग्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं अब एनिमल्स के लिए जीन बैंक मतलब क्या होता है कि फ्रीजिंग ऑफ स्पर्म एंड एग्स इन जियोलॉजिकल फ्रीजर्स अब एनिमल्स में हम उनके स्पर्म को फ्रीज कर सकते हैं एग को फ्रीज कर सकते हैं विद कोरल फ्रेगमेंट्स आर टेकन विच आर स्टोर्ड इन वाटर जैसे जो कोरल्स होती हैं वहाँ पे हम उसके कुछ फ्रेगमेंट्स कुछ पीसेस ले लेते हैं और उनको कंट्रोल्ड uh, कंडीशन में प्रिजर्व करते हैं and plant genetic material in a gene bank is preserved at minus 196 degree celsius in liquid nitrogen as a mature dry seed तो ये एक क्रायो प्रिजर्वेशन इस मेथड को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन जहां पे प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को बहुत ही लो टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन में आ, हम प्रिजर्व करते हैं इन एन एफर्ट टू कंजर्व एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी जीन बैंक आर यूज टू स्टोर एंड कंजर्व द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ मेजर क्रॉप प्लांट्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव अब जीन बैंक का पर्पस क्या होता है कि जो ऐसे कुछ ऐसे प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज हैं जो बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड हैं रेयर हैं या एक्सटेंट होने वाले हैं या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं कि उनका नंबर कम हो रहा है तो उनके जेनेटिक मटेरियल को हम प्रिज़र्व करते हैं या उनकी जो नेटिव वेराइटीज़ या वाइल्ड वैराइटीज़ होती हैं जो ओरिजिनल वैराइटीज़ होती हैं उनको हम प्रिजर्व करते हैं सो इन प्लांट्स इट इज़ पॉसिबल टू अनफ्रीज़ द मटीरियल एंड प्रोपेगेट तो प्लांट्स में क्या होता है कि जब हमें प्रोपिगेट करना होता है क्योंकि ये जो मटीरियल्स हैं जो जेनेटिक मटीरियल हैं वो तो बहुत ही लो टेम्परेचर में हमने फ्रीज़ किए हैं तो जब हमें उनको प्रोपेगेट करना होता है जब हमें उनको ग्रो करना होता है तो हमको धीरे 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 उसको रूम टेम्परेचर पर लाना होता है माइनस नाइन्टी सिक्स से हमको एक नॉर्मल टेम्परेचर तक उस मटेरियल को लाना होता है ना हेयर यू कैन सी द जीन बैंक्स फॉर वेरियस क्रॉप्स इन इंडिया सो यू जस्ट गो थ्रू ऑल द दर इज़ द क्रॉप स्पीशीज लोकेशन ऑफ जीन बैंक नेम ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग जीन बैंकस तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है जीन बैंक को स्टैब्लिश करने का मेंटेन करने का टू सेव एन एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज इन प्लान्स द प्रिजर्व मटीरियल कैन बी अनफ्रोजन एंड आर्टिफिशियली प्रोपोगेटेड टू री ग्रो चूज इन प्लांट तो यहाँ पर उसको अनफ्रोज कर दिया जाता है और आर्टिफिशियली उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं बट मोर इम्पोर्टेंटली कलेक्टिंग द जेनेटिक मास्टर प्लान्स फॉर प्लानट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स मेक्स इट ईजियर टू स्टडी द वर्किंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड अब यहाँ पे देखेंगे कि बाय स्टडिंग द जी डी एन एफ एनिमल साइंटिस्ट कैन डिड्यूस विच जेनेटिक ट्रेट ऑफ दोज एनिमल इनेबल देयर सर्वाइवल अब हम यहाँ ये देखते हैं कि जो डीएनए है किसी भी एनिमल का डीएनए, डीएनए जिसके ऊपर बहुत सारी जो बेसिक जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा और उसमें जीन्स होते हैं तो उनकी प्रॉपर स्टडी करके हम ये देख सकते हैं कि कौन सा डीएनए एन ट्रेड जो हमने एनिमल को चूज किया है वो रिस्पॉन्सिबल है या उनको आगे सर्वाइवल के लिए हेल्प करेगा विद डैट इंफॉर्मेशन रिसर्चर कैन केटर कंजर्वेशन एक्शन टू एड्रेस दीज ट्रेड्स अब हमने उसके ट्रेड्स को देखने के बाद हम उसको प्रॉपरली प्रिजर्व कर सकते हैं सेकेंडली साइंटिस्ट मे बी एबल टू यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग टू मेक प्लांट्स एंड एनिमल्स मोर अडेप्टिव टू द कमिंग क्लाइमेट चेंजेज एंड परहेप्स इवन रेजिस्टेंट टू डिजीज ब्रेकआउट दिस कोड ऑल्सो भी यूज टू सेव स्पीशीज फ्राम एक्सटेंशन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक मेथड होता है जिससे हम डिजायर्ड जीन को हम किसी दूसरे स्पीशीज uh, में इंकॉर्पोरेट करते हैं तो एक ये डिफरेंट सब्जेक्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग नो प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी अ कन्वर्जेंस ऑफ फैक्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का मतलब यह है कि की अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वंस एक्सेस टू इट फूड की अवेलेबिलिटी और लोगों का एक्सेस अ हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड फूड सिक्योर एक जो घर है वो फूड सिक्योर उस समय कहलाएगा जब उसमें रहने वाले लोगों को खाने की कमी ना हो या उनको भूखे रहने का डर ना हो मीन्स द फियर ऑफ स्टारवेशन ना हो एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वॉन्ट्स अ मोर वेरी डाइट बट इज ट्राइंग टू ग्रो मोर फूड ऑन लेस लैंड विद लिमिटेड एक्सेस ऑफ वाटर ऑल द टाइम फेसिंग इंक्रीज कॉस्ट ऑफ़ फर्टिलाइजर एंड फ्यूल फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट अब हमें पता है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है बहुत इंक्रीज हो रही है तो इतनी ज़्यादा लोगों के लिए फूड सप्लाई करना और ये भी है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम होते जा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है और उसके बाद क्या है कि फ़ूड को स्टोर करना उसको ट्रांसपोर्ट करना ये भी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है मोर पीपल डाई ईच ईयर फ्रॉम हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन देन फ्रॉम एड्स ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया कम्बाइंड तो एड्स ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया से होने वाली डेथ को अगर हम कंबाइन कर दें तो उससे ज़्यादा लोग भूख से मर जाते हैं मेल न्यूट्रिशन से मर जाते हैं ग्लोबल फूड इम्बैलेंस इकोनॉमिक इन-इक्वेलिटी अमंग नेशंस एंड अदर फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ ग्लोबल फूड सिस्टम वेयर बाय अ बिलियन पीपल आर हंग्री हंग्री का मतलब ये है कि जहाँ पर एक्सेस नहीं है फूड का जैसे कि और उनके पास से एक बैलेंस डाइट नहीं है कि उसमें उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं है फैट्स नहीं है प्रोटीन्स नहीं है या कह सकते हैं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है तो फैट और प्रोटीन्स नहीं है प्रोटीन्स अगर है डाइट में तो कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं है सो अनदर बिलियन सफ़र फ्रॉम हिडन हंगर दो तरह के हंगर हैं एक तो लोगों को खाना नहीं मिल रहा और दूसरी चीज़ है अगर वो खाना मिल भी रहा है तो वो बैलेंस डाइट नहीं है मींस कि उसमें विटामिनस नहीं है मिनरल्स नहीं हैं या जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं है सो मेल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन आर जनरली कॉज्ड बाय पॉवर्टी

इनकम उनकी कम है पर कैपिटा इनकम कम है और डिजीजेस के लिए उनके पास क्योर नहीं है मेडिसन्स नहीं है पैसे नहीं है एग्रीकल्चर लैंड है पर वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए उनके पास रिसोर्स नहीं है डेजर्टिफिकेशन हो रहा है जो एग्रीकल्चर लैंड है वो धीरे धीरे डेजर्ट में या अनप्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट हो रही है सो कन्वर्जेंस ऑफ फैक्टर्स हैज़ मेड फूड सिक्योरिटी वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशू इसी वजह से आज फूड सिक्योरिटी एक ग्लोबल इश्यू है एंड एक्सपेंडिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉयडिंग इट्स नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्वियसली कि जितनी ज़्यादा इतनी पॉपुलेशन हो गई है और उसके रेशियो में हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है डिस्ट्रीब्यूशनल इन इक्वलिटी थ्री क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन एडिक्वेटली फेड एंड द मेजोरिटी ऑफ दीज लिव इन द डेवलपिंग कंट्रीज थ्री क्वार्टर वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसके पास खाने के लिए नहीं है और इसमें से मेजॉरिटी जो है बहुत ज़्यादा लोग हैं वो डेवलपिंग या पुअर कंट्री में रहते हैं तो मैसिव सरप्लस एग्जिस्ट इन यूरोप एंड यू अब सरप्लस का मतलब है कि भई एक तरफ तो खाने के लिए नहीं है दूसरी तरफ इतना ज़्यादा खाना है पर उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है तो राइट नाउ देयर इज़ टू मच फूड इन द डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा खाने के रिसोर्स मतलब बहुत ज़्यादा खाना है एंड नॉट इनफ इन द डेवलपिंग कंट्रीज तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और उनके पास खाने के लिए भी नहीं है सो डेवलपिंग कंट्रीज़ आर स्टारिंग टू डेथ एंड द डेवलप कंट्रीज़ आर वरीड अबाउट विच टाइप ऑफ चीज़ दे शुड बाय तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है कि डेवलप कंट्रीज़ तो इसी सोच में लगे हैं कि वो किस तरह का चीज़ खाएँ और डेवलपिंग कंट्रीज़ तो ये सोच रहे हैं कि भैया भूख से कैसे लड़ा जाए दिस इज़ कॉल्ड एन इम्बेलेंस इन द फूड सप्लाई तो यही इम्बैलेंस है फूड सप्लाई में रोल ऑफ फूड एड इन अचीविंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी सो 96 1996 और 2006 के बीच में द नंबर ऑफ क्रॉनिकली हंगरी पीपल इन द पुअर कंट्रीज इंक्रीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हंग्री जो पीपल थे जिनके पास खाने के लिए नहीं था मतलब कि 20 मिलियंस टुडे 850 मिलियन पीपल 13 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड देयर मोस्ट बेसिक फूड नीड मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड की जो थर्टीन परसेंट पॉपुलेशन है उसके पास बैलेंस डाइट नहीं है एंड एवरी ईयर मोर देन एट मिलियन पीपल डाई एज अ रिजल्ट ऑफ हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन एट मिलियन यानी कि अस्सी लाख लोग मर जाते हैं भूख से और मेल न्यूट्रिशन से पीपल अफेक्टेड बाय फूड इमरजेंसीज ओनली रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑफ दोज सफरिंग फ्रॉम हंगर बट दैट अमाउंट इज इंक्रीजिंग एज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्टव डबल्ड द नंबर ऑफ़ फ़ूड क्राइसिस सिंस द नाइनटीन 1980 नाइनटीन के बाद फ़ूड क्राइसिस कह सकते हैं कि डबल हो गया है तो एवरी ईयर द यू वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम प्रोवाइड्स इमरजेंसी रिलीफ टू ओवर 50 मिलियन पीपल जो यू का वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम है वो 50 मिलियन लोगों के लिए एक फ़ूड प्रोवाइड करता है यानी कि इमरजेंसी रिलीफ देता है द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट सीरियल प्रोडक्शन नीड्स टू इंक्रीज बाय 50% परसेंट एंड मीट प्रोडक्शन बाय 80-85% बिटवीन 2000 थाउजेंड एंड टू टू मीट द डिमांड अब वर्ल्ड बैंक ने ये एस्टीमेट किया है कि हमें अगर पूरे वर्ल्ड में ये फूड क्राइसिस को कम करना है तो हमें कम से कम जो हमारा सीरियल प्रोडक्शन है अनाज है उसको हमको 50% इंक्रीज़ करना पड़ेगा मीट के प्रोडक्शन को 85 करना पड़ेगा द यूनाइटेड नेशन ट्राइज To help, but it cannot help in the long run. Instead of helping the dying ones, they should get the standard of living higher, especially in terms of education. So there is a concern in the developing countries about food availability, stability, and supplies and access of supplies. So developing countries, hai, poor countries, hai, yahan pe ek bada challenge. Hai. कि भाई एजुकेशन uh, से पहले हमको भरपेट खाना मिल जाए फॉर्मर अप्रोचेज़ बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन टू फूड सिक्योरिटी इम्फोसाइज द सप्लाई साइड अब uh, उन्होंने कहा कि फ़ूड की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए और स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए इन पर्टिकुलर थ्रू द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट लेवल ऑफ़ फूड स्टॉक एट द नेशनल एंड द रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल तो हम ये कह सकते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी है उसके थ्री पिलर्स होते हैं मतलब थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं फूड अवेलेबिलिटी फूड एक्सेस और फूड यूज कि फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फूड का एक्सेस होना चाहिए और उस फूड का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए ऐसा ना हो कि फूड जो नीडी लोग हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ख़राब हो जाए सो देर इज अ ग्रेट डील ऑफ डिबेट अराउंड फूड सिक्योरिटी विथ सम आर्ग्यूइंग अब यहाँ पे बहुत बड़ी एक डिबेट uh, का एक ये विषय है फूड सिक्योरिटी कि कुछ लोग कहते हैं कि देर इज़ इनफ फूड इन द वर्ल्ड टू फीड एवरी वन एडिकुएटली द प्रॉब्लम इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लोग कहते हैं कि भाई खाने की कमी नहीं है प्रॉब्लम कहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन में है फ्यूचर फूड नीड्स कैन और कैन नॉट बी मेड बाई करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो फ्यूचर फूड नीड है आगे हमारी जनरेशन को जो खाने की ज़रूरत है वो हो सकता है कि जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उसके उसके अकॉर्डिंग हो भी और ना भी हो सकती है द कॉस्ट ऑफ फूड वर्ल्ड वाइड विल राइज शार्पली इन कमिंग डेकेट्स इंक्रीजिंग द लाइवलीहुड ऑफ फूड बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड माइग्रेशन अब आगे आने वाले टाइम में ऐसा एस्टिमेट किया है कि भाई खाने की कमी की वजह से माइग्रेशन हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं एंड दैट पीपल वोंट बी एबल टू फीड दिमसेस विदाउट डिस्ट्रॉइंग द प्लानट unless we can transform the global food system on the scale of the industrial revolution. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा uh, point है कि आगे आने वाले time में food based conflicts हो सकते हैं मतलब कि खाने से लेकर लड़ाई झगड़े मारपीट भी हो सकती है migration भी हो सकता है लोग एक uh, देश को छोड़ के दूसरे देश में जा सकते हैं Now farmers have to grow more food at less cost to the environment. तो फिक्सिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम इज़ डिफ़िकल्ट टास्क तो ये ग्लोबल फूड सिस्टम को फिक्स करना और मेंटेन करना एक तरह से कह सकते हैं डिफिकल्ट टास्क है फंडामेंटल विल बी द स्प्रेडिंग ऑफ एक्जिस्टिंग नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज टू द डेवलपिंग वर्ल्ड टू बूस्ट ईल्ड यहाँ पर इतना कर सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं पुअर कंट्रीज हैं उनको नॉलेज और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि वो अपने क्रॉप की ईल्ड बढ़ा सकें एंड अदर कीज टू सच एंड इनकलूड रिड्यूसिंग द फूड वेस्ट सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर फूड वेस्ट को कम करना है स्पेशली सिंस फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट्स फॉर एज मच एज थर्ड ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन अब मतलब ये कि जब फूड प्रोडक्शन होता है तो उसमें ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है तो हम फूड वेस्ट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फूड वेस्ट को कम करना चाहिए ऑल्सो रिसर्चर्स सजेस्ट दैट इन्वेस्टिंग इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड क्लोन्ड लाइव स्टॉक डिस्पाइट द पोटेंशियल रिस्क इज एसेंशियल तो हम ये कह सकते हैं कि जो uh, अब रिसर्चर्स ने साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या क्लोन्ड लाइव स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए फूड एड एज एक्चुअल फूड आइटम्स और एज कैश टू फूड फूड एड का मतलब ये होता है कि या तो हम उनको एक्चुअल फूड आइटम्स दे रहे हैं या वो कैश दे रहे हैं कि जिससे वो खाना खरीद सके कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन रिड्यूसिंग हंगर बाय प्रोवाइडिंग इमरजेंसी फूड एड गवर्नमेंट्स गन एजेंसीज एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सेव मिलियंस ऑफ लाइव वेन नेचुरल डिजास्टर्स ऑफ वॉर थ्रेटन पीपल एक्सेस टू फूड अब यहाँ पर क्या है कि गोवमेंट है या जो एमरजेंसी जो एजेंसीज होती हैं एन जी ओज हैं उनको इस इसके लिए आगे आना चाहिए और फूड सप्लाई को इंश्योर करना चाहिए उनको इम्प्रूव करना चाहिए एंड बाई गिविंग नॉन इमरजेंसी फूड एड सचेज स्कूल लंचज दे केन इम्प्रूव हेल्थ एंड एनकरेज चिल्ड्रेन टू गो टू स्कूल विच ऑज़ प्रूव एंड असेंशियल टू अ कंट्रीज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट अब क्या है कि नॉन एमरजेंसी फूड एड मतलब कि जो स्कूल में मिड डे मील जैसे प्रोग्राम्स होते हैं उसको इंकरेज करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हों स्कूल की तरफ आए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ टू अचीव फूड सिक्योरिटी हम फूड सिक्योरिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं तो इसका आंसर है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ मोर रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ बाय बूस्टिंग एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिक्योरिंग पॉवर्टी राइट्स एंड एक्सेस टू फाइनेंस इन्हांसिंग ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ तो यहाँ पर हमने देखा कि जो जो भी रीजन्स हैं कि जो भी कैसे हम फूड सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा और उससे ज़्यादा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा इज द फूड एड द राइट आंसर अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या फूड एड जो है यही एक तरीका है हंगर से टैकल करने का इमरजेंसी सिचुएशन से टैकल करने का या लॉन्ग टर्म हंगर को ख़त्म करने का या फूड सिक्योरिटी को अचीव करने का फूड एड इन टाइम्स ऑफ नेचुरल कलामिटीज़ लाइक फेमिन फ्लड अर्थक्वेक इज ऑलवेज अ वेलकम जेस्चर बट डिपेंडेंस ऑन फूड एड बाय एन ओवर पॉपुलेटेड हंगर स्ट्रिक इन पुअर नेशन इज नॉट अप्रिशिएटेड नेचुरल कलामिटीज़ में वॉर के टाइम अगर फूड एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये ठीक है पर अगर ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ जो हैं वो फूड एड के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएँ तो ये ठीक नहीं है एंड दे शुड फाइंड अ सोल्यूशन टू बिकम सेल्फ सफिशेंट एंड नॉट रिलाई ऑन अदर कंट्रीज जो भी कंट्रीज़ है जहाँ पे फूड की प्रॉब्लम है हंगर की प्रॉब्लम है उनको खुद सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो दूसरे कंट्री पे डिपेंड हो गए द कंट्रीज़ वुड ओनली सपोर्ट देम इन केस ऑफ सरप्लस फूड जब किसी कंट्री के पास एक्स्ट्रा फूड होगा तो वो उस फूड को दूसरे कंट्रीज को भेजेंगे एंड ऑल्सो चांसेज ऑफ अडल्ट्रेटेड लो ग्रेड लो न्यूट्रिय फूड रीचिंग देम इज ऑफ इन हाई सो दैट्स ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स सो वी हैव कंप्लीटेड होल चैप्टर ऑफ फूड सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टिल देन हैप्पी लर्निंग बाय बाय